हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8.1 के तीन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको अगले दो क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो दो क्वेश्चन थोड़े लंबी हैं, सो दैट्स व्हाई आराम से समझेंगे उसको, करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आते हैं वो, ठीक है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं आपकी एक फिगर बना देता हूँ, फिगर जो उन्होंने दी हुई है। P है, E Q है, A है, B C और D। देखिए बेटा, ये फिगर आपके सामने है। उसने कहा एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम है तो मुझको क्या मिल जाता है कि AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के और AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। ओके, P एंड Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP बराबर BQ। DP बराबर DP बराबर BQ। आपको एक और चीज दी हुई है DP बराबर BQ। ओके जी, चलते आगे। तो शो दैट, बहुत सारे पार्ट्स हैं तो देखो सीधा सीधा प्रूफ कर रहा हूं, पार्ट्स को डालता चला जाऊंगा। पहला पार्ट मुझको प्रूफ करना है क्या, कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये मुझको प्रूफ करना है। देखो APD, APD ये रहा ट्राइंगल, देखो अलग निकाल लेते हैं और एक BQC ये वाला ट्राइंगल निकाल लेते हैं। ये मेरा P, ये मेरा D, ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा Q, ये मेरा C। तो देखो एक तो ये प्रॉपर्टी निकल के आ ही रही है, तो पहली प्रॉपर्टी तो मेरे पास यही आ जाती है कि BC बराबर AD, ये गिवन में है। अब देखो पैरेललोग्राम है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, क्योंकि पैरेलल है। तो एंगल वन बराबर एंगल टू, दूसरी प्रॉपर्टी एंगल वन बराबर एंगल टू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपको दी हुई है उसमें ऑलरेडी के DP बराबर है BQ के, तो DP बराबर है BQ के, ये गिवन में दिया हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाय SAS प्रॉपर्टी, ठीक है जी। चलते आगे, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में वो मुझसे क्या कह रहा है, देखो AP बराबर CQ। तो देखो AP इसी का ही पार्ट है और CQ भी इसी का ही पार्ट है, तो AP बराबर CQ बाय CP, CP इसी में जोड़ देंगे हम। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब देखो AQB निकालो, AQB देखिए यह आ गया आपका AQB, और CPD सॉरी C नीचे है D ऊपर है। देखिए ये बराबर इसके दिया हुआ है, तो BC AB बराबर CD, ठीक है। चलो ये गिवन में है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी वही हो जाती है। देखो ये वाला एंगल 3 बराबर 4 के ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 बराबर एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
थर्ड प्रॉपर्टी अभी अभी हम प्रूव करके आया है कि एपी बराबर है सीक्यू के बाय सीपी सीटी, अभी हम प्रूव करके आए हैं, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी बन जाती हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाय एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और सीपी सीटी से मुझसे वो क्या कह रहा है ए क्यू बराबर सीपी, तो ए क्यू बराबर है सीपी के, ठीक है, दे रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यू बराबर क्या मांग रहा है वो सी पी बाय सी पी सी टी, ओके जी। और वो कह रहा है कि एपी पैरेलल, एपी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये पार्ट देखिएगा ध्यान से, फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है आपको कि एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ओके जी। देख APCQ, APCQ, यानी कि ये पार्ट मुझको पैरेललोग्राम दिखाना है, ओपोजिट साइड्स ऑलरेडी बराबर आ चुकी हैं कि AP बराबर है किसके, AP बराबर है CQ के, और CQ के, ठीक है, और AQ बराबर है PC के, और AQ बराबर है PC के, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज में ही CP CT से आ चुकी हैं, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं देखो कैसे और क्या दिखा सकते हैं। देखो पैरेलल दिखाने के लिए या तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर दिखा दीजिए, ठीक है, या फिर क्या दिखाए, अल्टरनेट एंगल्स या वो अल्टरनेट एंगल्स बराबर दिखा दीजिए या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिखा दीजिए। तो देखो ये खुद ही दो पार्ट में बट रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये खुद ही दो पार्ट में बट रहा है कि ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। तो इसके लिए हम लेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू पी या ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी ए पी बराबर है सी क्यू के बाय सी पी सी टी, दूसरी प्रॉपर्टी ए क्यू बराबर है पी सी के, ये भी सी पी सी टी, और थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या जाती है पी क्यू बराबर पी क्यू कॉमन, जिससे मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी क्यू बाय एस 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 प्रॉपर्टी। और इससे मेरे पास एंगल आ जाता है देखो बेटा 5 = 6, एंगल 5 = एंगल 6 के बाय सी पी सी टी। देयरफॉर अब ध्यान से देखो, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो हैंस इसलिए मेरा क्या हो जाएगा बेटा, देखो एपी पैरेलल हो जाएगी सीक्यू के और बीसी, सॉरी एक्यू पैरेलल हो जाएगा मेरा पीसी के, ठीक है। जब ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो मेरी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब जो भी लाइंस होती हैं वो उनमें वो मेरी पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज देखो पैरेलल भी है इक्वल भी है, सो दैट वी कैन से दैट एपी सीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ही बनती है, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ आपको तीन प्रॉपर्टीज चाहिए, दो जो आपको वो ये कह रहा है कि ट्राइंगल्स लेने हैं, वो ट्राइंगल्स आपको सब खुद ही उसने दिए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर आती है कि बच्चा क्या करता है कि सर बराबर है तो पैरेलल भी होगा, भाई किसी ने नहीं कहा, पैरेलल के लिए आपको प्रॉपर्टी अलग दिखानी पड़ती है और उसके लिए अलग आपको दिखानी पड़ती है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, इजीली तरीके से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि जब तक आप लोग एक बार खुद नहीं करके देखेंगे, जब तक हम आप मतलब हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दैट्स इट, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा उसको भी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। चलिए वो कह रहा है आपको एबीसीडी एक पैरेलल हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी और डी एक पैरेलल हो गया है,
जिसमें एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम टू द डायगोनल बीडी, एपी एंड सीक्यू, ठीक है, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए टू सी ऑन डायगोनल बीडी। तो शो क्या करना है देखते हैं, देखो गिवन में क्या है, ए बी पैरेलल है बी सॉरी सी डी के और ए बी बराबर भी है सी डी के, बी सी पैरेलल है ए डी के और बी सी बराबर भी है ए डी के। दूसरा ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, प्रूफ क्या करना है ध्यान से देखेंगे। पहला पार्ट है आपके पास क्या, कि ट्राइंगल एबीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी, और सेकेंड पार्ट है आपके पास एपी बराबर है सीक्यूके। इसके लिए देखो प्रूफ, जो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं बताया हुआ है कि वो चीज आप अपनी ले लीजिए, वही ट्राइंगल ले लीजिए। तो देखो ए पी कौन कौन सा है, ए पी बी, ए पी बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल और सी क्यू डी ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। सो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, पहली प्रॉपर्टी देखो, पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर है सी डी के, ये मुझको गिवन में दिया गया है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, देखो दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर साफ दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल्स बराबर है, एंगल वन बराबर आ जाएगा एंगल टू के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगी, देखो देखो 90 डिग्री दिया गया है, आराम से लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे इनमें। पहले प्रॉपर्टी पे आ जाएगा एंगल वन बराबर एंगल टू, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाएगा ए बी बराबर है सी डी के, ये गिवन में आ जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी में आपके पास आ जाएगा एंगल ए पी बी इज बराबर है एंगल सी क्यू डी के ईच 90। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए पी बी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। तो देखो क्या है, एंगल ठीक है, देखो एंगल एंगल साइड या एंगल एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड ले लीजिए, चलो ठीक है, कहीं बन नहीं रहा एंगल साइड एंगल, सो दैट्स व्हाई। और सीपीसीटी से मेरे पास क्या जाएगा कि एपी बराबर सी क्यू बाय सीपीसीटी, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर किए हैं, क्योंकि ये वही है कि दो क्वेश्चंस को मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि वो पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वो आराम से इत्मीनान के साथ आप समझें करके देखें, देन उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में अगले दो क्वेश्चन देने वाले हैं। ओके बेटा।